है 12 अक्टूबर और अभी हमारी ट्रिप शुरू होने में करीब 8 दिन बचे हुए हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि मालदीव्स में जो करेंसी चलती है मेजरली वो है यूएस डॉलर, और हमारे रिसॉर्ट में तो केवल यूएस डॉलर ही चलेगा, मालदीवियन करेंसी वहाँ पर उतनी नहीं चलती है, लोकल करेंसी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करा के ले जानी पड़ेगी। मैंने जो चूज़ किया है वो है थॉमस कुक का बॉर्डरलेस प्रीपेड कार्ड होता है। तो आज डेट है 18 अक्टूबर और जो हमारी ट्रिप है उसको शुरू होने में अब बस 2 दिन रह गए हैं। 20 को हमें निकलना है मालदीव्स के लिए। तो इसका मतलब है कि आज वो दिन है जब हमें अपना कोविड टेस्ट कराना है। नहीं तो अभी हम लोग बस निकल रहे हैं कोविड टेस्ट कराने के लिए, अपोलो जाएंगे। तो वहाँ जाके 700 रुपये में RT-PCR टेस्ट हम लोग कराएंगे, जिसका रिजल्ट जहाँ तक है आज शाम तक या मैक्स कल सुबह तक आ जाएगा। और मौसम जो अभी नोएडा का है वो कुछ ऐसा है, तो एक जो टेंशन है वो मौसम को लेकर भी बनी हुई है, क्योंकि अगर ऐसा ही मौसम रहा तो अगर मालदीव में भी ऐसा मौसम है तो थोड़ा हमारा ट्रिप जो है वो रिस्क में जा सकता है। अगर पूरे टाइम बारिश होती रही तो इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बट चलिए देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। तो अब हम लोगों का जो कोविड टेस्ट है वो हो चुका है, मतलब सैंपल कलेक्शन हो चुका है। आंखों में पानी देखते समझ में आ रहा होगा कि हो चुका है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर छोटा सा यूट्यूब चैनल फेक ब्लॉगर। ना, क्या नाम था अपने चैनल का? माय अप्रूव्ड लीव। तो ये है हमारे चैनल का नाम जो उन्होंने अभी हाल ही में चेंज किया, और जैसा कि आप लोग अभी टाइटल देख कर समझ गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल करके मालदीव्स। तो अभी टाइम हो रहा है 3 बजा हुआ है और हमारी जो फ्लाइट है वो यहाँ दिल्ली से है करीब 6:55 की। तो 6:55 की फ्लाइट है, 3 घंटे पहले पहुँचना होता है, इसलिए हम लोग पहले से ही रेडी हो जाते हैं, देखते हैं। तो सारी ज़रूरी चीज़ें जो कि आपको ट्रैवल चाहिए होगी वो उन्होंने ऑलमोस्ट रेडी कर ली है। तो जो चीज़ कई महीने मतलब कई हफ्ते पहले रेडी करनी होती है वो है फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग्स, कंफर्मेशन वाउचर, ये सब। तो ये सब हम लोगों ने अपना फाइनल करके अपनी ड्राइव में अपलोड कर दिया है और ऑफलाइन भी डाउनलोड कर लिया है। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी होती है वो है 2 दिन पहले हम लोगों ने जो अपना RT-PCR टेस्ट कराया उसकी रिपोर्ट हम लोगों ने अपने पास रख ली है। तीसरी चीज़ जो हमने 1 हफ्ते पहले किया वो है हमारा फॉरेक्स कार्ड। तो फॉरेक्स कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो फॉरेक्स कार्ड हम लोगों ने लिया है वो है ये है मेरा थॉमस कुक का बॉर्डरलेस प्रीपेड कार्ड, मल्टी करेंसी कार्ड है, और इसमें मैंने $3,000 जैसा आपको पहले बताया था $3,000 इसमें लिए हैं। तो ऐसा मैं एक कैलकुलेशन करके चल रहा हूँ कि $3,000 के आसपास ही ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर एक्स्ट्रा, अपार्ट फ्रॉम होटल एंड फ्लाइट। उसके अलावा भी अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो ये मेरा कार्ड है HDFC का, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में इनेबल्ड है, क्रेडिट कार्ड है। तो उसमें मार्कअप फ़ी वगैरह 3.5% लगेगी, लेकिन अगर अर्जेंट है तो वो ज़रूरत पड़ सकती है, वो काम आएगा। इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ वहाँ पर यूज़ करने के लिए जो मेरे घर में पड़ा हुआ था काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से, वो है ये $500 पड़े हुए थे। तो वो $500 भी वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज़ आ सकते हैं। और एक चीज़ जो ज़रूरी है वो है आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, हालांकि इतना ज़रूरी नहीं है बट अगर वैक्सीनेटेड हो तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा उनकी हेल्थ डिक्लेरेशन की वेबसाइट पर। सब कुछ अपलोड करने के बाद एक बारकोड जनरेट होता है जो आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मालदीव एयरपोर्ट पर वीज़ा लेने के लिए। तो वो भी जो बारकोड है वो हम लोगों ने 4 लोगों का अलग अलग से क्रिएट कर लिया है और व्हाट्सएप में है सबके, हार्ड कॉपी किसी चीज़ के नहीं है हमारे पास पासपोर्ट के अलावा। तो देखते हैं, वहाँ चल के देखते हैं कि क्या और चाहिए होता है। और जो कुछ चीज़ें ज़रूरी रखने वाली होंगी इस वीडियो में आपको देखेंगी वो है ये कि कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड के जस्ट बाद का टाइम है, सेकेंड वेव के बाद का, तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें ओपन हैं, कितनी ईजिली हम लोग कर पाए ट्रिप वो देखेंगे। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि अभी तक जैसा आप देखते रहे उस चैनल पर कि पहाड़ों के ही वीडियो रहे हैं और सस्ते से सस्ते में करने की कोशिश की गई है, बट मालदीव सस्ता नहीं है। तो इसका जो एक्सपेंसेस हैं वो हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे, और इसके बाद आखिरी में एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कम से कम में अच्छे से अच्छा, मैं बजट ट्रिप की बात नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, जो कि सब लोग करते रहते हैं कि बजट ट्रिप मालदीव का कैसे करना है 40,000 रुपये में 50,000 रुपये में, उसकी बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा कि अच्छे से अच्छा लग्जूरियस ट्रिप कैसे कम में करना है, 40,000 में ऑब्वियसली नहीं होगा, कितने में होगा ये हम लोग देखते रहेंगे।
बट मैं आपको लग्जरियस ट्रिप के बारे में बताऊंगा, मैं वो नहीं बताऊंगा कि 40,000 रुपये खर्च करके आप वहाँ के किसी लोकल आइलैंड में रह के गोवा वाला फील लेके आते हो, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। तो चलिए देखते हैं ट्रिप कैसा रहता है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है वो आपको ट्रिप के दौरान मिलती रहेगी। मैं हमेशा रेडी ही हो रही होती हूँ जब तुम ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बना ही रहे होते हो। मैंने हेयर कलर करवाया है, ये देखिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरे लिए। इस बार जो है सब कपड़े देख के समझ में आ रहा है कि इस बार पहाड़ में जाने की तैयारी नहीं है। 4 लोग हम लोग जा रहे हैं ट्रिप में, अभी भी पैकिंग का थोड़ा बहुत काम चल रहा है। पैकिंग चलती रही भाई। एक और चीज, यहाँ से हम लोग अपनी कार लेके ही जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट, क्योंकि वहां पर जैसे मैंने देखा वहाँ पार्किंग वगैरह की मतलब फैसिलिटी जो है वो अच्छी है। अब वो कितनी अच्छी है कि इंटरनेट पे ही अच्छी है या एक्चुअल में अच्छी है ये भी चल के देखेंगे, क्योंकि 4 लोग हैं, चारों के बड़े बड़े बैग होते हैं, तो ये किसी नॉर्मल मतलब हैचबैक कार में या सेडान कार में नहीं आ पाता, क्योंकि उसकी डिक्की में सीएनजी लगी होती है, तो हमें एसयूवी करनी पड़ती है, जो कि ले देखे भाई 1,000 रुपये वन साइड पड़ जाता है, 1,000-1,200 ऐसे पड़ जाता है, क्योंकि पेट्रोल के रेट वैसे ही बढ़ रहे हैं। तो अब हम लोगों ने सोचा है कि अपनी ही कार लेके जाते हैं, और जो पार्किंग के जो चार्जेस हैं वो करीब 1900 या 2000 के आसपास ही रहते हैं 4 दिन के लिए अगर मैं बात करूं। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा अपनी कार पे। जो है एयरपोर्ट की पार्किंग करा गए हैं, ये हम लोगों ने अपनी कार पार्क कर दी है यहाँ पर, और एक पर्ची मिल गई है यहाँ पर, मतलब T3 के बिल्कुल ही बगल में है। तो अगर आप भी आने का सोच रहे हो खुद की कार से, तो मतलब ऐसा नहीं है कि पार्किंग के बाद आपको बहुत चलना पड़ेगा। एफ रो चलना है, ठीक है। देखिए 4:30 पे हम लोग अपने चेक इन काउंटर पे पहुँच गए, लंबी लाइन है यहाँ पर, एयर इंडिया के सारे कतारे यहाँ पर हैं, सारे मॉल के नहीं हैं, कई जगहों के हैं, अरे कैंसिल कर देते ना, गोवा चल देते बताओ। तो इस बार भी जो है ड्रोन का थोड़ा, जैसे कश्मीर वाले ट्रिप में आपने देखा था, तो उसी तरह से मैंने इस बार किया है, पिछली बार तो गलती हो गई थी मुझसे, तो अभी जो है ड्रोन को मैंने, ड्रोन और प्रोपेलर्स को इस बैग में रख दिया है, और उसकी जो बैटरी और चार्जर और रिमोट कंट्रोल वगैरह है वो सारा अपने केबिन लगेज में लिया हुआ है। देखते हैं क्या इशू होता है इस बार, या इजीली निकल जाते हैं। तो अब हम लोग जो है अंदर आ चुके हैं, सारे सिक्योरिटी चेक वगैरह क्रॉस करके, और 6 बज चुका है, मतलब टाइम जो है वो काफ़ी लग गया। और अगर आप भी आते हो तो मार्जिन लेके आना, क्योंकि जो आपका चेक इन बैगेज जहाँ पर आप देते हो, जहाँ पर आपको बोर्डिंग पास वगैरह मिलता है, वहाँ पर आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, आपका रिटर्न टिकट, होटल वाउचर, RT-PCR, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सब आपको देखा जाएगा। टाइम लगता है थोड़ा, और फाइनली उसके आगे फिर सिक्योरिटी चेक आता है, जहाँ पर आपके पासपोर्ट पे टप्पा लगता है, और हमारे पासपोर्ट पे पहला टप्पा आज लग गया है मॉलडीव्स का। अब हम लोग अंदर आ गए हैं, मेरे ख्याल से बोर्डिंग शुरू हो चुकी होगी 5 मिनट पहले, बट अभी हमारे पास फिर भी 55 मिनट्स हैं, तो यहाँ पर हम लोग कुछ खाएँगे पियेंगे, उसके बाद चलते हैं फ़्लाइट में, और कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पर जितना पैसा बचा सकें, कदम कदम पर पैसे बचाने हैं, तो ये आपको बताते रहेंगे कि कैसे कैसे हमने बचाया। वगैरह सब प्रोसेस होगा,
देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। मेरे घर पर बस पासपोर्ट और QR कोड ही देखेंगे। Hi. Yes. 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 May I? ये रहा। आपको टेस्ला भी दिखा दूं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी अपने इन्फॉर्मेशन वाली। तो हम लोगों ने जो फ़्लाइट बुक कराई थी वो थी एयर इंडिया की AI 267, और इसका जो टोटल ट्रैवल टाइम था वो था करीब 5 आवर्स का। और उसमें स्टॉपेज वैसे तो मुंबई था, लेकिन उसमें हमें फ़्लाइट से बाहर नहीं निकलना था, तो एक तरह से नॉन स्टॉप ही समझो। सो आप लोग चाहो तो ये ऑप्ट कर सकते हो एयर इंडिया की। और एक और जो रीज़न था एयर इंडिया की फ़्लाइट ऑप्ट करने का वो ये था कि उसमें मील्स जो होती हैं वो उसी में इंक्लूडेड होती हैं। तो मील्स का जो हमारा था मतलब सोच के नहीं गए थे कितना मिलेगा, बट 2 बार उन्होंने एक बार नाश्ता एक बार लंच दिया। तो अगर आप एयर इंडिया करते हो तो आप उसी में पैसा बचाते हो, क्योंकि अगर आप वही ब्रेकफास्ट और लंच यहाँ आके करोगे तो मिनिमम आप मान के चलो कि $70 पर हेड आपको किसी 5-स्टार रिसॉर्ट में, जिस रिसॉर्ट में जाके हमें रहना है वहाँ पर पड़ेगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन, ये टाइम ऐसा था कि जब हम लोग मुंबई गए तो मतलब दिल्ली से जो मुंबई की जो फ़्लाइट थी तो उसमें लोग बहुत कम थे, तो हमें ये कहा गया था कि आप कहीं भी बैठ सकते हो जाके, तो हम लोग कहीं बैठ गए। बट मुंबई से जो कनेक्ट हुई मौले के लिए तो मौले से जो फ़्लाइट थी उसमें ऑलमोस्ट फुल थी वो फ़्लाइट। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन ये हो गई। तीसरी सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर वीज़ा मालदीवियन वीज़ा के लिए हमें क्या करना पड़ा। तो वैसे तो कई लोग लगे हुए थे जो कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे, इमोगा बारकोड और अपना RT-PCR और वैक्सीन रिजल्ट सारा। बट हम लोगों ने जब अपना बोर्डिंग पास दिल्ली से लिया था तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसको दी थी, तो मे बी उस वजह से या पता नहीं किस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ अपना पासपोर्ट दिया, उसने स्टैंप लगा दिया, तो विद इन आई थिंक 1 मिनट सब कुछ हो गया। पर हेड 1 मिनट लगा उस पर। हम लोगों ने अपना बैग वगैरह ले लिया है और ये आते ही हम लोग एकदम समंदर के पास, और जो मैंने रिसॉर्ट बुक किया उसका नाम है कोको बोडो ही थी। दिस इज़ अ 5-स्टार रिसॉर्ट और वी विल बी स्टेइंग फॉर 3 नाइट्स देयर, एंड फॉर ऑल द नाइट्स वी हैव अ प्राइवेट पूल। सो फॉर 2 नाइट्स देयर इज एन आइलैंड विला विद प्राइवेट पूल, देन फॉर द लास्ट नाइट वी हैव द वाटर विला, लाइक द कोको रेजिडेंस वाटर विला। दिस इज द मोस्ट लग्जूरियस वाटर विला इन दैट रिसॉर्ट। तो यहाँ आने के बाद काउंटर नंबर 24 जो कि कोको बोडू का ही है वो लोग हमें मिल गए। वहाँ हम लोगों ने अपने बैग छोड़ दिया। हम लोग ये जगह जो मालदीव वाला जो साइन बोर्ड है उसके पास फोटोज़ वीडियोज़ करने आ गए हैं कि यहाँ पर आपका कोई भी इंडियन सिम काम नहीं करेगा, कोई नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क है लेकिन वो उरेडू करके यहाँ कोई नेटवर्क है वो उसमें आ रहा है, उसका कोई पर्पज़ नहीं है, फ्री में नहीं चलने वाला। तो यहाँ पर आपको चाहो तो आप आके यहाँ पर सिम कार्ड ले सकते हो। हम लोग नहीं ले रहे हैं सिम कार्ड क्योंकि हमारा जो रिसॉर्ट है वहाँ पर वाईफाई रहेगा, इंटरनेट तो रहेगा ही, व्हाट्सएप कॉल वगैरह तो होंगे ही, तो 3 रात के लिए 4 दिन के लिए क्या ही ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो अगर आप लेते हो तो 4,500-5,000 का वो पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो टाइम जोन डिफरेंस है इंडिया से यहाँ में, तो जैसे इंडिया में अगर 1 PM हो रहा है तो यहाँ पर 12:30 PM हो रहा है, तो ये आधे घंटे का डिफरेंस है। हम लोगों ने अपनी घड़ियाँ कोऑर्डिनेट कर ली हैं, रिस्ट वॉचेस मोबाइल ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेट हो गए हैं नेटवर्क आते ही। अब चलते हैं सीधा स्पीड बोर्ड में मिलते हैं। सुपर बॉल एरिया है, जब आपके होटल की कार वगैरह आपको कहीं ड्रॉप करने वाली होती है, यहीं पर आओगे तो आपको आपके होटल की कार मिल जाएगी। जैसे मैंने अभी वो टेस्ला दिखाई थी, सोनेवा होटल की थी, सोनेवा खुशी या सोनेवा जानी की होगी।
और सिमिलरली ये जो जगह है पीछे, ये हमारे स्पीड बोट का स्टैंड है. एंड व्यूज आर ऑसम. इतना टर्कोइश वाटर हमने लिटरली नहीं देखा. शो इतना जब स्टार्टिंग इतनी ऑसम है तो भाई कंटिन्यूएशन तो और भी ऑसम होने वाला है. अमेजिंग 30-35 मिनट की जर्नी थी स्पीड बोट की, बहुत थ्रिलिंग. और यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर ये रिसेप्शन है. रिसेप्शन में पासपोर्ट हमारे लिए गए हैं फिलहाल. यहाँ पर देखता हूँ क्या क्या है, मे भी कुछ फॉर्म वगैरह भरवाए जाएँ और उसके बाद रूम्स वगैरह अलॉट होंगे. तो रूम्स का मैंने यहाँ पर काफ़ी एनालिसिस की है, इनका मैप वगैरह है मेरे पास, मैंने डाउनलोड किया था इनकी वेबसाइट से. तो कौन से रूम नहीं लेने हैं उसका मुझे आइडिया है, क्योंकि मैंने देखा था कि कुछ रूम्स हैं जिनमें बीच, प्राइवेट बीच जो है वो उतना अच्छा नहीं है. सो आई विल मेक श्योर कि दे डोंट गिव अस दैट रूम. तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ध्यान में रखनी पड़ेंगी. बाकी अगर मेरा रूम अच्छा रहा तो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको भी सजेस्ट करूंगा कि वही वाला रूम लेना जब भी आप आना. चलिए देखते हैं क्या होता है. It basically says that here in the resort we don't have lifeguards. So once you go for swimming in the ocean or in the pool, you need to be careful. And if needed, you can get the life jackets from the water sports center. Okay. Life jackets are available for free of charge? Yes. It will be important. Drones are not allowed here. What? Do you have drones? Yeah. Unfortunately, yeah, due to our privacy policy, drones are not allowed. Not even from this place. This is not any way near to any villa. I will need to talk to my manager if we can get any permission. Sure. I can fly it during the sunrise time or just before the sunrise when everyone is asleep. I just need 10 minutes. That's it. Yeah. Only one footage. And I see that you have a lot of great stuff over here. A lot of cameras. So. Anything else comes with the room, like the snorkeling gears? Yes, the snorkeling equipment you can also get from the water sports center. Same story, you can just keep it in your villa until your departure. That is also free of cost? Yeah, the equipment itself, yes. If you would like to get an instructor, then it will be chargeable. Charge. Yeah. So, and also, I believe you will need to take the PCR test before you go back tomorrow. To India. Yeah, yeah, so exactly tomorrow it will be taken. Most probably we will go with the half board, like half breakfast and dinner. Sure. And can we do like this, like today we won't be opting for anything apart from the breakfast, mm-hmm. but for the next 2 days we will be opting for half board. Mm-hmm. Will it be possible? From
from tomorrow onwards? Yes. Okay, I will check on that. Yes. I believe, yes, we can do that. From tomorrow onwards, yeah, to Halvard. Yeah. And few more requests. Mm-hmm. Do you have the map? Yes, sure. Actually, I dropped a mail years back. Sure. So, I don't want these island villas. So, specifically, I want the island villas which has a good beach, good sand. Coco Residence, can you make it like Sunset Coco Residence? Sunset side. Yes. We will try our best. Okay. Check for that. There will be any availability plan also, and if sure there is any kind of discount.